हाय, आज का वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आपका सवाल बिल्कुल लिया और इस सवाल यही था मैक्सिमम लोगों का, क्या हम सैलरी से भी करोड़ रुपए बना सकते हैं? तो जी हाँ, इसका आंसर है बिग यस। कोई भी इंसान अगर वो 10,000 ही क्यों नहीं कमाता हो, वो 5,000 ही क्यों नहीं कमाता है, अगर 2,000 अगर वो सेव कर सकता है तो वो भी करोड़पति बन सकता है। इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे कि आखिर वो क्या फॉर्मूला है, क्या अल्टीमेट वे है, क्या तरीका है कि जिससे हम एक बैलेंस्ड वे में अपने लाइफ को जी सकें और हम आफ्टर 20 ईयर 30 ईयर एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें। जी, मेरा नाम संजीत है और मैं आप सबके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाते रहता हूँ। शुरू करते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर 50-30-20 प्रिंसिपल क्या है। इस प्रिंसिपल को आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। पहले थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर लेते हैं। 50% जो भी आपकी सैलरी होती है, आपको आपके नीड के लिए इन्वेस्ट करना है। नीड क्या क्या हो सकते हैं? आपका घर का रेंट, ईएमआई, लोन, एजुकेशन और जो भी ग्रोसरी के सामान हो, फूड ईटीसी, जो कि बिल्कुल कंपलसरी है। 30% जो पैसा जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, वो हो सकता है आपके वांट्स के लिए। हो सकता है कोई आप फॉरेन वैकेशन जाना चाहें, किसी का मैरिज हो, किसी का कुछ गिफ्ट देना हो या कुछ लेना हो, वो आपकी वांट्स या डिजायर में होंगे। फिर जो 20% बचेगा, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। अब इन्वेस्ट कहाँ करें? आपके पास पीपीएफ है, आपके पास एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम, आपके पास गोल्ड है, आपके पास इक्विटी है। इक्विटी में भी सब टाइप आते हैं कि एक्टिव फंड है, डेट फंड है, और इसके अंदर भी खूब सब टाइप आएंगे कि डेट फंड में कितने साल के लिए लगाएं, आपका गोल लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म गोल है, या डायरेक्ट हम स्टॉक्स में जाएं। तो आप जब मार्केट में आते हैं तो आप हो जाते हैं कंफ्यूज। आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम ये बर्डन से, ये जो हसल है, इसे थोड़ा सा जंप लगा लें। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा, उसमें 6 लाख का, 5 लाख का अच्छा कवर भी आपने ले रखा होगा, और आप इसमें अपनी फैमिली को भी आपने शामिल कर चुके होंगे। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको लेना पड़ेगा क्या, टर्म इंश्योरेंस। क्यों टर्म इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि आजकल लाइफ अनसर्टेन है, पता नहीं है कि कौन दुनिया में कल जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। आपने कोविड का एग्जाम्पल देखा होगा, खूब सारे लोग जो सिंगल अर्निंग फैमिली के मेंबर थे, वो रहे ही नहीं। तो मतलब वैसी फैमिली को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस सिचुएशन में, जब उनका मेन अर्निंग पार्टनर ही या मेन पर्सन ही जो हेड है फैमिली का, वो नहीं रहा हो। तो हम टर्म इंश्योरेंस से क्या करेंगे, थोड़ी सी कीमत देके जो कि हमारे सैलरी का या पर एनम सैलरी का 20 टाइम्स आप ले सकते हैं। मतलब आपको 1-2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपने टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ही ले चुके होंगे। फिर अब जो पैसा बचा, अब आपको इसको एलोकेट करना है। एक तो आपको लेना है, या तो डायरेक्ट आप स्टॉक्स में जा सकते हैं या आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। हम इन दोनों को ही क्यों बोल रहे हैं? तो इसका आंसर बड़ा बेसिक है, क्योंकि इनमें जो एवरेज जो रिटर्न आता है वो 15 से लेके 20% या 12% भी हो सकता है, इतना वैरी करता है। मतलब एक डिसेंट ग्रोथ या रिटर्न है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप बिल्कुल मार्केट में नए हैं, तो सबसे पहले आपको कैसे अकाउंट खोलते हैं, क्या होता है, कुछ इनके पैरामीटर, इनकी वीडियो ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, आपको जाके वहाँ पर देखना है। फिर आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और नोट्स आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और मैं आने वाले टाइम में अपने वेबसाइट पे आपको एमसीक्यू का टेस्ट भी, जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे मैं होस्ट करा दूँगा, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस आंसर देंगे, खुद टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सोच रहा हूँ लाने के लिए, वहाँ पे आप डेमो ट्रेनिंग भी कर सकें। मतलब आपके पास वर्चुअल मनी दिया जाएगा, जैसे हम गेम खेलते हैं ना वैसे ही, ताकि आप गेम खेल के ही सीख लें कि कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं या कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं,
पैरामीटर्स आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। जब आप पैरामीटर्स जान जाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि कैसे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में स्टॉक में इन्वेस्ट करें। एक चीज़ जो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप नए हैं तो डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, लेकिन आप स्टॉक्स में तुरंत मत जाइए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और आपने अगर एक मिस्टेक्स किया और जो भी आपकी सेविंग है वो जीरो भी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, डायरेक्ट आप स्टॉक्स में ना आएं जब तक आप वेल क्वालिफाइड स्किल नहीं हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक्स तो आप मेरा चैनल का लिंक जो है जहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके स्टॉक्स क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी कोर्सेस आप कर सकते हैं और आप भी अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो आते हैं इस वीडियो को समराइज़ करने के लिए कि आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच लाना पड़ेगा, आपको एक स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी और एसेट क्लास जो इक्विटी का है बिल्कुल बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप किसी अदर बिजनेस में जो कि ऑलरेडी ग्रोइंग है, ऑलरेडी बूम कर रहा है, उसमें अपना पैसा लगा के एक अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल ऐसे बढ़ते जाए। लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है, कमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, सिबलिंग को और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि लोग रियलिटी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों और उनके ड्रीम सपने जो कि है लाइफ में पूरे के पूरे पूरे हों। आज के लिए इतना ही, एट लास्ट थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस साइड संजीत।